अनदर ब्लॉग ऑफ 24 कैरेट फूड। सुबह से लेके एकदम धमाकेदार बारिश हो रहा है। आज सोची थी कि कोई एक जगह पे जाऊंगी, मगर मतलब इतना बारिश हो रहा है कि मतलब वो मेरा प्लान कैंसिल हो गया है। तो आज हम आए हैं मेरे ही इलाका में आपको एक बहुत बढ़िया सा दुकान दिखाने के लिए। यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मोमो है, बिरयानी है, पराठा है, चिली चिकन है, चाउमीन है, चाउमीन का तो बहुत वैरायटी है, और रोल मिलता है, रुमाली रोटी, चाव वगैरह सब कुछ है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ये जगह तो बहुत ज़्यादा नॉइज है, आप देख सकते हो मेरे पीछे एकदम गाड़ी, रिक्शा, बस का एकदम चकाचक ऑलवेज यहाँ पे ऐसा ही नॉइज होता है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है एकदम लच्छेदार पराठा के साथ एग रोल। जो लोग एग रोल लवर है उन लोगों को शायद ये मतलब ये सीन, ये वाला सीन अच्छा लगा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रोल, एग बोलिए, चिकन बोलिए। वैसे रोल का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये। ये देखो लच्छेदार पराठा कितना मोटा हो गया है आफ्टर एडिंग द एग। तो दो पीस अंडा करी का प्राइस हो जाएगा भाई सिर्फ 30 रुपये में। आगे में क्या है, चिकन करी, ओ भाई दिखने में तो काफ़ी लजीज लग रहा है, 70 रुपये इसका दाम है, 4 पीस आएगा। और ये है चना मसाला, एक प्लेट का प्राइस आ जाएगा 35 रुपये। और ये है बंगाली का मोशन आलू दम, 4 पीस आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये। सो गाइज ये हम लोगों का है बिरयानी, और आप लोगों को बता नहीं सकते कि खुशबू कितना बढ़िया आ रहा है। और एक प्लेट बिरयानी का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये। और यहाँ पे एक पीस आलू जाता है, अंडा जाता है, और ये जो राइस का क्वांटिटी देख सकते हो बहुत बढ़िया सा खिला खिला राइस है। लोग देखेंगे आगे में, ये देखो भाई, ये देखो एकदम बहुत ही बढ़िया, ओ हो 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 यार खुशबू कितना बढ़िया आ रहा है। ये देखिए भाई एकदम बढ़िया सा बिरयानी, खिला खिला राइस, चिकन। चिकन का कितना ग्राम होता है एक पीस? 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम का चिकन और आलू। ये देखिए भाई, ये रुमाली रोटी, जो कि आप लोगों को सबको ही पता है रुमाली रोटी क्या होता है, एकदम पतला सा रोटी। एक पीस कितना का है? 4 रुपये, 4 रुपये करके एक एक पीस है। ये देखिए यहाँ पे बहुत, आपको यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, क्या क्या है मैं आगे आगे सब बताऊंगी। और ये इसका चलो लोकेशन बताए रहे हैं, यहाँ से आओगे तो गोरिया पड़ेगा, वहाँ से गोरिया है, बस गोरिया है, इस साइड है पाटुली, और इस साइड चला जा रहा है बागा ज्योति, इस साइड चला जा रहा है बागा ज्योति। मतलब ये जो स्टॉपेज है इसको 45 बोला जाता है भाई, फोकस लो। बिरयानी की ऑक्स बोल के बिरयानी का एक दुकान है बहुत बड़ा, तो ये 45 को बोला जाता है, 45 बस स्टॉपेज। आप बी आर डब्ल्यू स्टॉपेज भी बोल सकते हो, उसके एकदम ऑपोजिट साइड में आपको ये दुकान मिलेगा। आगे आगे हम बताते हैं दुकान में और क्या क्या चमक है, चलो वीडियो को देखते रहो। चिकन मोमो, ये देखिए एकदम चिकन मोमो एकदम मतलब फिनिश हो गया है ऑलमोस्ट, मैं थोड़ा लेट करके आई। और देखिए भाई मोमो का जो शेप है कितना प्यारा है, ये देखिए एकदम मोमो का जो फीलिंग है, ये भैया
एकदम फोल्ड कर रहे हैं इसको। इसके अंदर क्या क्या है भैया थोड़ा बताइए। चिकन मीन्स है मेरे की जो देख रहे हो, चिकन मीन्स है, प्याज है, और क्या ये धनिया पत्ता है। अच्छा, ये सब डाल के बनाया गया है। सब टेस्ट करके हम बताएंगे टेस्ट में कैसा होगा। और एक प्लेट मोमो में 5 पीस आता है, साथ में सूप और सॉस। चलो सो गाइस, अभी मेरे पास है माय फेमस फूड कॉर्नर का स्टार्टर जो कि है मोमो, चिकन मोमो। 5 पीस चिकन मोमो है, साथ में दिया गया है सॉस और एक बढ़िया सा सूप। वैसे आपको जो बोला जाए कि सूप और भी है, मैंने एक छोटा सा बोल में इसको सर्व किया है। और सिर्फ 50 रुपए में आपको मिलेगा 5 पीस चिकन मोमो। वैसे अगर आप वेज लवर हो ना, तो वेज लवर के लिए भी है वेज मोमो, उसका भी प्राइस है 50 रुपए। आपको साइज दिखाते हैं भाई। ओहो हो भाई, देखिए साइज देखिए भाई, ये देखो मोमो सॉस के साथ डिप किए कर रही हूँ और इसको खाऊंगी। वाह वाह, एकदम मान गए। अंदर का फीलिंग आप लोगों को दिखा रहा है, ये देखो अब फीलिंग देख सकते हो। अंदर में प्याज है, प्याज बहुत ज्यादा नहीं है, चिकन का कीमा दिया गया है। एकदम बढ़िया सूप का कंसिस्टेंसी देखिए, ये देखिए धनिया पत्ता का बहुत एक अच्छा एसेंस आ रहा है। वैसे इंडिया में ही धनिया पत्ता दिया जाता है, एक्चुअली सूप में धनिया पत्ता नहीं दिया जाता है मोमो के सूप में। तो चलो इसको खत्म करते हैं और जो भी लेते हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे पकोड़ा को फ्राई किया जा रहा है और यहाँ पे जो चिली चिकन होता है आपके आंखों के सामने ही बनाया जाता है। ये देखो एक एक पकोड़ा का साइज देखिए, एक एक पकोड़ा का साइज दिखाइए थोड़ा भैया। ये देखिए पकोड़ा का साइज देखिए तलने के बाद। ये हाफ फ्राई है ना अभी? अच्छा ये हाफ फ्राई है, आप जब ऑर्डर दोगे तो इसका फुल फ्राई हो जाएगा। अभी मतलब एकदम वहाँ पे ही सब पकोड़ा को तला जाता है, घर से मतलब फ्राई करके नहीं ले आते हैं। ये सब डाल के बनाया गया है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कितना किलो चिकन है भैया? 1.5 किलो। 1.5 किलो सब बोनलेस है? वैसे एक एक पकोड़ा का कितना प्राइस आ जाता है आपके पास? 12 रुपए। गाइस ये हमारा बन रहा है चिली चिकन। विनोद दुकान तो काफी ज्यादा दिन हो गया है, 35 साल का दुकान है। पहले पापा चलाता था। अच्छा आपके पापा चलाते थे। तो यहाँ पे तो देख रहे हो चिली चिकन बन रहा है। चिली चिकन के अलावा और क्या क्या बनता है? रोटी सरका, चना मसाला, एक करी, अंडा करी, रोल, चाउमीन, पराठा, फ्राइड राइस, चिली चिकन, मोमो, बिरयानी,
शाम को 5 बजे से रात 1 बजे तक खाना मिलेगा। और ये दुकान का नाम क्या है? न्यू फास्ट फूड सेंटर। न्यू फास्ट फूड, रोज खुला रहता है दुकान? जब तक यहाँ पे चिली चिकन बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट बन गया है, और मैं जो जो चीज लूंगी वो भी बनाना है, तो तब तक ये सब बन रहा है और मैं आप लोगों को मिलती हूँ एकदम खाने के प्लेट के साथ। गाइस ये पराठे के साथ चिली चिकन, मतलब अभी चिली चिकन का थोड़ा ग्रेवी लेते हैं। ओ हो, एकदम घना है ग्रेवी, एकदम घना है। देखो आपको दिखा रहे है, कंसिस्टेंसी देखिए। ओहो भाई, इसका दाम है 60 रुपए। वुड यू बिलीव दिस गाइस? वुड यू? लेट्स ट्राई आउट विद दिस पराठा एंड द फ्लेकी चिली चिकन। कते ही जहरीला वाला कॉम्बो है ये लच्छेदार पराठा को ना। तेल एक योग नहीं, तेल अंडा और दूध के साथ अच्छे से गूंदा जाता है, इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा मीठा मीठा रहता है। और इसका जो टेस्ट है ना भाई, इसका जो टेस्ट है कतई, मतलब जहरीला क्यों बोल रहे हैं? ओ क्योंकि ये बहुत तीखा है, चिली चिकन तो तीखा ही होने वाला है। तो मैं और एक बाइट लेती हूँ, बढ़िया सा बाइट बनाती हूँ और खाती हूँ। ये हाफ प्लेट है और अंदर में कैप्सिकम प्याज डाल के एक घना सा जो ग्रेवी है कॉर्नफ्लावर डाल के जो बनाया गया है ना, आपका मन जीत लेगा। एक चलो चिली चिकन को दिखा तो रहे, एक चिली चिकन खाते हैं। वाओ कितना सॉफ्ट है, बोनलेस सॉफ्ट। तो आपको अंदाजा ही हो गया है टेस्ट कितना होगा। तो ये तो मैं बाद में खा लूंगी, बहुत टेस्टी है भाई इसका। 30 एक एक दाम है 15 रुपए, दोनों मैंने लिया है 30। आप चाहते हो तो एक भी ले सकते हो। ये तो हम खा लिए है, मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया, पॉकेट भी खुश है। तो नेक्स्ट हम खाएंगे ये एक चाव। ये देखो भाई, ये देखो, उतना ज्यादा सोया सॉस भी नहीं है, वेजीज एक एक एकदम नीचे चला गया है, इसलिए मैं ज्यादा दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को इसका। चलो एक मस्त बाइट लेते हैं। ऐसे खाते हैं चाउमीन इंडिया पे। एकदम मस्त, दिल खुश हो गया भाई। इनक्रेडिबली इनसेनली गुड है इसका टेस्ट, इनक्रेडिबली इनसेनली गुड मेरे भाषा में। आप विश्वास करोगे या नहीं, ये विश्वास करने के लिए आपको आना पड़ेगा गोरिया 45 स्टैंड के एकदम सामने। रोज खुला रहता है, तो 5 बजे से लेके रात को 1 बजे तक चलता है। और पता है गाइस, आप लोगों को ये पता है, एक दिन में 250 रोल बन जाता है वहाँ पे, क्योंकि 35 साल का दुकान है पूरा गोरिया पे। पूरा गोरिया इसका रोल और फास्ट फूड का दीवाना है। ये देखो चिली चिकन के ग्रेवी के साथ भाई, मस्त एक बाइट बनाते हैं। ओ हो, चलो ऐसे खाया जाता है इंडिया में चाउमीन, चिकन ग्रेवी विद कैप्सिकम। आई लव दिस विद लव सब चाउमीन। चाउमीन गिन रहा है गाइस, बढ़िया। अब ऐसे ही चाउमीन को खा सकते हो, चाउमीन बहुत टेस्टी हो रखा है। लॉट्स ऑफ वेजीज एंड अंडा, और इतना सारा चाउमीन के साथ आता है। 50 रुपए में आपको इतना बढ़िया सा चाउमीन, और एक लोग के लिए तो ये इनफ है। मुझे तो भाई बहुत बढ़िया लगा, यहाँ का चाउमीन बोलिए, मोमो बोलिए, कोई भी इशू नहीं है। पराठा कोई भी जगह से इशू नहीं। और देयर इज अ लॉट्स ऑफ आइटम, चिकन कौशा, घुगनी है, चना है, चिकन कौशा है, एक करी है, और क्या है, हाँ कबाब से बहुत कुछ है। तो मुझे आज इजाजत दीजिए गाइस, आपको मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार थासू वीडियो के साथ। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो गाइस
दबा के एक सब्सक्राइब कर और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो गाइस, क्योंकि लोग भी जान पाए इतना बढ़िया प्राइस रेंज में इतना बढ़िया खाना बिकता है गोड़िया में। अगर आप साउथ के रहने वाले हो तो यहाँ पे आकर एक बार जरूर आपका खाना बनता है, उतना प्राइस भी नहीं है, तो आके यहाँ पे खाइए, एंजॉय कीजिए। और हाँ, वो एक्चुअली एक टेक अवे है, आप चाहो तो वहाँ पे बैठ के भी खा सकते हो, मतलब खड़े रह के खा सकते हो, बैठ के तो आप नहीं खा पाओगे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना, आप आइए अपने हिसाब से खाइए, एंजॉय कीजिए। और गाइस मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगी आपको ऐसे ही तहासू वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।